एक दिवसीय क्रिकेटची स्पर्धा होप मिरर फाउंडेशन आयोजित होप मिरर चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022 पर्व दुसरे आपण या ठिकाणी पाहतोय अनुभवतोय. विविध प्रकारच्या कार्यक्रमांची रेलचेल आणि त्याचबरोबर जर आपण पाहिलं तर विविध क्षेत्रातील मान्यवर ज्यामध्ये कलाक्षेत्र, क्रीडाक्षेत्र, समाजकारण, राजकारण, अर्थकारण अशा विविध क्षेत्रातील मान्यवर आज मात्र या एकाच मंचावरती आपल्याला या क्रीडा स्पर्धांना शुभेच्छा देण्यासाठी नक्कीच पाहायला मिळतात. मैदानाच्या आतमध्ये काय घडतंय तर विकेट करण्याचा प्रयत्न बॅटीचा लिडिंग एज आणि फलंदाज मात्र तंबूच्या आश्रयाला. पहिला फलंदाज या ठिकाणी गमावला गेलाय. एकूण धावा फलकावरती आपण पाहतोय. षटक क्रमांक एक मैदानावरती सुरू असताना गोलंदाज अली हॅलो. हे सर व्यासपीठावरती आता ज्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे ते सन्माननीय महाराष्ट्र स्टेटचे BJP जनरल सेक्रेटरी सन्माननीय विक्रांत पाटील साहेब आणि त्याचप्रमाणे आमचे शिवसेना खारघर उपशहर प्रमुख काही ग्रुपचे सन्माननीय गुरुशेठ म्हात्रे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. तर मी या दोन्ही व्यक्तिमत्वांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास ते मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक या खेळाडूला द्यायचा आहे. विक्रम पाटील साहेब या आणि गुरु म्हात्रे यस. तर नक्कीच या व्यासपीठावरती आपण पाहतोय सन्माननीय महाराष्ट्र स्टेटचे भारतीय जनता पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी सन्माननीय विक्रांतदादा पाटील साहेब आणि त्याचबरोबर गुरु म्हात्रे यांच्या शुभास्ते निकेश म्हात्रे याला मात्र इथे सन्मानित केलं गेलंय मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक देऊन. यस. तर विक्रांतदादा पाटील साहेबांना मी विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते इथे व्हीलचेअर्स क्रिकेटर्स यांचा आपण सन्मान इथे करणार आहोत. कारण ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये चांगला खेळ दर्शवला, प्रेक्षकांची मनं जिंकली आणि खरोखरच एक आनंददायी क्रिकेट काय असतं याचं उदाहरण आपण या मैदानामध्ये पाहिलं. हॅलो. यस. तर आपण बक्षीस वितरण सोहळ्याकडे बोलतोय. पीछे तौर पे यहाँ पर जितने भी दर्शक आए हुए हैं एक अलग क्रिकेट आज देखने का मौका मिला. आज इस मंच के ऊपर जो हमारे आज के अतिथि मेहमान हैं खास तौर पे जिनका इंतज़ार हम सुबह से कर रहे थे लेकिन आप वो घड़ी आ चुके हैं. महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया BJP के सन्माननीय विक्रांत जी पाटिल साहब के लिए ज़रा जोरदार तालियां हो दोस्तों. काफ़ी बड़ी हस्ती है, युवाओं का प्रेरणा स्थान है. तो विक्रांत दादा पाटिल साहब से ज़रूर मैं गुजारिश करना चाहूँगा
कि आज जो होप मिरर फाउंडेशन ने जो यहाँ पर एक क्रिकेट का एक बड़ा मंजर रखा गया है, जिसमें हमने क्रिकेट बहुत से मैचेस देखे हैं, लेकिन वो हम अलग क्रिकेट, लेकिन आज यहाँ पर होप मिरर फाउंडेशन ने एक अलग क्रिकेट हमें दिखाया है। वो व्हील चेयर्स का क्रिकेट कैसा होता है इसकी जानकारी आज हमें मिली, और कैसे लोग खेलते हैं इसका उदाहरण हमने इस लाइव में देखा है। तो ज़रूर ये होप मिरर फाउंडेशन का यश है, तो ज़रा होप मिरर फाउंडेशन के लिए भी जोरदार तालियां। तो दोनों टीमें यहाँ पर खेली गई थी, रेस्ट ऑफ इंडिया और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये दो टीम मिलकर खेल रही थी, लेकिन ऐसा लगा था कि 6 ओवर में 73 का लक्ष्य रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र बनाने वाली थी, लेकिन गेंदबाजी अच्छी हुई और बिल्कुल उसमें रेस्ट ऑफ इंडिया ने आखिर इंडिया का दम दिखाया और उस मैच में जीत हासिल की। तो सबसे पहले इस मैच के मैन ऑफ द मैच विनर को हम एक ट्रॉफी देना चाहेंगे, जिन्होंने बढ़िया कीर्तिमान किया इस मैदान के अंदर, जो अंतिम दौर में अच्छा ओवर फेंका, विकास जी, जिन्होंने अच्छा ओवर अच्छा स्पेल फेंका, क्योंकि परशुराम जैसा बल्लेबाज होने के बावजूद उन्होंने और रन रोके, तो विकास को यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का खिताब हम देंगे। तो मैं गुरु मात्रे से गुजारिश करना चाहूँगा, आई इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर हैं और एक काफ़ी बड़ी प्रतियोगिता अभी अभी हाल ही में इसी मैदान के अंदर खिलाई गई थी, तो विकास को यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जा रहा है। और इस मैच में बेहतरीन फील्डिंग का काम भी किया गया है, अच्छा फील्डर्स हमें नजर आया और बिल्कुल क्या फील्डिंग की उन्होंने। तो इस मैच के बेस्ट फील्डर ऑफ आवर जाता है दीपक जी शर्मा को, बेहतरीन उन्होंने अच्छा प्रयास किया। तो मैं ये ट्रॉफी देने के लिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा आज के हमारे अतिथि मेहमान अनु दीदी से, मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये ट्रॉफी आप दीजिए दीपक जी शर्मा को, काफ़ी अच्छा एंजॉय किया उन्होंने आज दिन भर इस टूर्नामेंट को। इस टूर्नामेंट के बेस्ट बल्लेबाज थे जिन्होंने 33 रनों की पारी खेली रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, वो खिलाड़ी हैं हमारे रामचंद्र जी, या आइए। तो मैं परमेश जोशी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि सर आइए, ये ट्रॉफी देकर आप रामचंद्र इन्हें सम्मानित कीजिए, गुड क्रिकेटर्स। और बेस्ट गेंदबाज का खिताब यहाँ पर दिया जाता है जिन्होंने एक विकेट हासिल किया इस मैच में, अच्छा स्पेल उन्होंने फेंका, वो बेस्ट गेंदबाज है विकास लांबा, उन्हें यहाँ पर बेस्ट गेंदबाज का अवार्ड दिया जाता है। मैं दिलशाद खान साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि दिलशाद जी आइए, विकास लांबा को जो टीम जीती हुई है, श्रेष्ठ ऑफ इंडिया का ये खिलाड़ी है, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी देना बेहद जरूरी होता है। लेकिन इस टूर्नामेंट में जो इस आपके मैच में अच्छा खेल किया, सभी दर्शकों का दिल उन्होंने जीता, तो मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड हम उन्हें देते हैं। तो मैं ये अवार्ड देने के लिए बिल्कुल हमारे आज के अतिथि मेहमान जो युवाओं के प्रेरणा स्थान है हमारे विक्रांत जी पाटिल साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, लेकिन वो खिलाड़ी हैं परशुराम जी देसले, जो काफी बढ़िया क्रिकेटर हैं, उन्होंने टीम इंडिया के सदस्य हैं और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, विक्रांत सर देखिए जो हम ये अवार्ड देने जा रहे हैं परशुराम देसले को, इंडिया की ओर से खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 100
83 रनों की पारी खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये ऐसे हुनहनरी खिलाड़ी हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं, ये बड़ी बात है हमारे लिए। सो थैंक यू। तो अब एक इनाम और है, क्योंकि वो इनाम है कैश प्राइज में। यहाँ पर जो दर्शक आए थे उनकी तरफ से इनाम है, हारने के बावजूद भी उन्होंने जो टीम हारने वाले जो हारी गई है उनके लिए इनाम है। तो हमारे प्रहार ऑप्टिकल के तरफ से 1000 रुपये और दिनेश तिवारी की तरफ से 500 रुपया, 1500 रुपये का इनाम रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए यहाँ पर है। तो विक्रांत सर से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये इनाम दीजिए रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के कैप्टन। यस यस, परशुराम जी मुस्कुराइए, और अच्छा लगा हमें, बहुत ही अच्छा लगा। अब जीतने वाली जो टीम थी हमारे मुरबी के पुरस्कर्ते आरएम मुरबी के स्पॉन्सर दिनेश ठाकुर और मोंटी पाटिल, उन्होंने पहले बताया था जो भी टीम जीते उनके लिए 2500 का इनाम दिनेश ठाकुर की तरफ से। तो रेस्ट ऑफ इंडिया टीम जीती है तो ये 2500 रुपये का इनाम भी उन्हें देने की मैं गुजारिश करना चाहूँगा विक्रांत जी पाटिल साहब से। तो रेस्ट ऑफ इंडिया के कैप्टन हमारे तेजपाल यादव जी, तेजपाल यादव जी उन्हें यहां पर ये इनाम दिया जा रहा है। और अब ये जीतने वाली टीम जो है उन्हें ये ट्रॉफी देने के लिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा हमारे आज के अतिथि मेहमान महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी सम्माननीय विक्रांत जी पाटिल साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि रेस्ट ऑफ इंडिया टीम को आप जो टीम जीती है उन्हें विनर ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। तो तालियां बजाइए रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, बहुत ही अच्छा खेल आप दोनों ने किया, दोनों टीमों ने अच्छा खेल किया। तो आप दोनों का हम यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। या क्या बात है, यस बढ़िया बढ़िया, अभिनंदन अभिनंदन। और फाइटर टीम जो यहाँ पर उन्होंने संघर्ष किया, तो फाइटर टीम को भी हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे जो ट्रॉफी ये देकर उनका सम्मान हो रहा है। यस फाइटर ट्रॉफी। तो आइए हमारे सभी अतिथि मेहमान। प्रशांत देसले, परशुराम देसले जी, तो इन्हें ये ट्रॉफी दी जा रही है फाइटर की, तालियां बजाइए। ये अलग क्षण है, बिल्कुल हमारे लाइफ में कभी कभी आता है, और आज ये मौका दिया है होप मिरर फाउंडेशन ने। तो खास तौर पे रमजान जी से जिनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। नो नस्ते आले, ऐसा नो नस्ते आले, आले नस्ते नो आले, क्या बात है। ये देखिए यहाँ पर दोनों टीमों को सम्मानित किया जा रहा है, बिल्कुल रेस्ट ऑफ इंडिया और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र व्हील चेयर टीम यहाँ पर आज काफी अच्छा खेल उन्होंने किया और उनका सम्मान यहाँ पर होता हुआ, और सभी दर्शक यहाँ पर आज खुश हुए। ये क्रिकेट देखने के लिए काफी दर्शक यहाँ पर जमा हुए थे और उनके उपस्थिति में आज ये क्रिकेट देखने का सौभाग्य सभी को मिला। अभिनंदन टीम रेस्ट ऑफ इंडिया, अभिनंदन टीम रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ऐसे नेशनल प्लेयर्स यहां पर हम देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, मैं सभी से सभी मेहमानों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मंच के ऊपर आसन ग्रहण करें।
छह गेंदों में 10 रनों की जरूरत है, 11 हुए है अभी, 6 गेंदों में 10 रन। चला लवकर गया, लवकर गया, लवकर चला पटापट, बड़े सामने बाकी है, याचे नंतर 3 सामने बाकी है। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। हो गया, सिक्स सिक्स के लिए थे। हेलो, तो संदीप सर या ठिकाणी आपण नाडीफेक करून घेणार आहोत आपल्या सन्माननीय पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते। इथे मात्र टॉस केला जाईल। तर चार चेंडूमध्ये 10 धावा करणारा अली पटेल मात्र या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच आहे। तर अली पटेलला विनंती, आपला मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक देखील आपण स्वीकारायचं आहे, त्याचबरोबर टॉस देखील इथे केला जातोय।